और इस बीच गोंडा से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गोंडा में दुर्गा पूजा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, बता दें कि दुर्गा पूजा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। मस्कनवा बाजार में जमकर चले ईंट पत्थर, ये अपडेट आप देख रहे हैं गोंडा से, जहां मूर्ति से पट्टी हटाए जाने पर आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी को लेकर एक समुदाय में कहा सुनी हो गई, जिसके बाद पत्थर चले, बता दें कि ईंट पत्थर चले गए। कहा सुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट इतनी बढ़ गई कि वो पत्थरबाजी तक पहुंच गई। मारपीट और पत्थरबाजी में 12 लोगों के नाम नामजद किए गए हैं, बता दें 12 लोग नामजद किए गए हैं। तमाम अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले जानकारी में जुट गई है। मस्कनवा बाजार में रखी गई प्रतिमा पे ये पूरा मामला है, जहां दुर्गा पूजा के दौरान माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। बता दें एक मामूली कहा सुनी, आतिशबाजी को लेकर कहा सुनी हुई, जिसके बाद मारपीट की नौबत आई और मारपीट की जो नौबत थी वो ईंट पत्थरबाजी तक पहुंच गई। वही गोंडा से बड़ी खबर फिर से दिखा, भेड़िए से शक्ल वाला जानवर। गोंडा में एक बार फिर नवाबगंज तरबगंज के खेत में दिखा जानवर, जिसकी शक्ल बताई जा रही है भेड़िए की तरह है। जंगली जानवर का भागते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें ये वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा एक जानवर है, जिसकी शक्ल भेड़िए की तरह बताई जा रही है। गांव में दहशत का माहौल, कंचनपुर गांव के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। इसे लेकर मामले में वन विभाग पूरी तरह से खामोश नजर आ रहा है। बता दें इसकी वजह से पूरे ग्रामीणों में दहशत का माहौल, इलाके में कई जगहों पर दुर्गा प्रतिमाएं रखी गई। फिर से दिखा भेड़िए की शक्ल वाला जानवर। बता दें नवरात्रि का समय, कई जगह दुर्गा पंडाल सजाए गए हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा, ऐसे में किसी जानवर का दिखना, जंगली जानवर का दिखने की वजह से लोगों में भय का माहौल शुरू हो गया है। बता दें जंगली जानवरों के आतंक की वजह से लोग परेशान। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है एक जानवर, जिसकी वजह से लोगों में भय। कंचनपुर गांव के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन वही वन विभाग पूरी तरीके से इस मामले में खामोश नजर आ रहा है। वही लखनऊ से बड़ी खबर, शेयर ट्रेडिंग के निवेश का झांसा देकर ठगी की गई। झांसा देकर 4 लोगों ने 3 करोड़ रुपए हड़पे। ये मामला लखनऊ का, जहां पे पीड़ितों ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। बता दें कि पीड़ितों के साथ धोखाधड़ी की गई। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शेयर ट्रेडिंग का निवेश में झांसा देने के बाद इस ठगी को अंजाम दिया गया है। बता दें इस ठगी के जरिए 3 करोड़ रुपए हड़पे गए हैं 4 लोगों से। पीड़ितों ने मुकदमा दर्ज कराया है इस ठगी को लेकर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। वही लखनऊ से बड़ी खबर, अयोध्या हाईवे पर इमारत में लगी भीषण आग। बता दें कि अयोध्या हाईवे पर एक 3 मंजिला इमारत है, जिसमें भीषण आग लग गई। मौके पर आधा दर्जन दमकल मौजूद, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। बता दें पूरे बीबीडी थाना क्षेत्र के लखनऊ अयोध्या हाईवे का ये मामला, जहां एक 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। धुएं का गुबार पूरे क्षेत्र में फैलता नजर आया। बता दें 3 मंजिला इमारत थी, जिसमें ये भीषण आग लगी है। इसके 15 मिनट की घटना है, फ्रेंड्स मोटर्स है, इसमें जो है आग की सूचना है। और ये जो है जैसे कि बेसमेंट है, ग्राउंड है, फर्स्ट और सेकंड है, तो इसकी जो है ग्राउंड भी सेफ है, बेसमेंट भी सेफ है, फर्स्ट और सेकंड आग लगी है। क्या क्या था यहाँ पर सर इस बिल्डिंग में? टायर वगैरह का जो है स्टोरेज इन्होंने रख रखा है, उसमें आग है। प्राइमा फेसी अभी क्या दिख रही, किस वजह से आग लगी होगी? देखिए 80% जो फायर है वो बिजली की वजह से लगती है, आपको मालूम है, तो अंदर से बिजली ही है। अभी रेस्क्यू के लिए, आग बुझाने के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, कितनी गाड़ियां आई हैं? देखिए यहाँ कम से कम 7-8 गाड़ियां आ चुकी है, हाइड्रोलिक भी है, देखिए आप देख रहे हैं, हाइड्रोलिक से फायर फाइटिंग चल रही है, एप्रोच शुरू में दिक्कत आ रही थी हम लोगों को।
15 मिनट की घटना है, फ्रेंड्स मोटर्स है, इसमें जो है आग की सूचना है और ये जो है जैसे कि बेसमेंट है, ग्राउंड है, फर्स्ट सेकंड है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या कुछ पूरा मामला है? बताया जा रहा है 3 मंजिला इमारत में आग लग गई, क्या आग लगने का कारण पता चल पाया है अभी तक? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो 3 मंजिला इमारत है अयोध्या और लखनऊ हाईवे पर जो आग लगी थी, उस आग लगने की सूचना जैसे ही दमकल को लगी थी, दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल इस आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। लेकिन अगर बात की जाए आग लगने की वजह की, अगर बात की जाए तो आग लगने का फिलहाल कारण अभी शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही जांच करने का दावा भी किया जा रहा है कि आखिर आग लगने की जो घटना है उस घटना के पीछे वजह क्या, क्या वाकई शॉर्ट सर्किट है या फिर आग लगाने की साजिश की गई है। फिलहाल इन सभी पहलुओं पर जांच करने की बात की जा रही है, लेकिन जांच के बाद ही अब इस मामले में साफ हो पाएगा कि आखिर आग क्यों लगी। जी जी कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल छा गया है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। इस जन्म क्या हर जन्म का प्यार होना चाहता, सुनहरी झील में कुछ झिलमिलाती कश्तियां देखी। दिल दिल तुझे रोक रहा है कि जमाना, कह दे या बुरा लगता है तुझको मेरा आना, कह दे। इस 7 जन्मों तक चलूंगा 7 वचनों के लिए, ये मौसम आशिकाना है, चले आओ कहीं से तुम। राजे हयात क्या है समझना है अगर तुझे, पानी के बुलबुले पे नजर डाल कर तो देख। एक लड़की साथ चलने के लिए तैयार है, पपीहा मन का छेड़े है तुम्हारा नाम ले लेकर। जीते जी, मेरा लहू सर्द नहीं हो सकता, मैं जमाने की कभी गर्द नहीं हो सकता। देखते रहिए क्या कहने और देखते रहिए प्राइम टीवी। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव